निशा टेलर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कमीज की कटिंग और स्टिचिंग आपको सिखाई थी, आज मैं आपको एम्ब्रॉयडरी वाली कढ़ाई वाली कमीज की कटिंग करना सिखाऊंगी। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है प्रिंटेड सूट की कटिंग से और कढ़ाई वाले में की कटिंग में। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरा कढ़ाई वाला कपड़ा है, इसकी मैं आपको कटिंग करके आपको बताऊँगी। हमारी जितनी भी लेंथ होगी हम उसके अकॉर्डिंग हम कपड़े को नाप लेंगे। तो ये हमारी कमीज की लंबाई 45 है तैयार। मैंने नीचे से, ये हमें मोड़ने की ज़रूरत नहीं है, नीचे डिज़ाइन है, तो मैंने 45 और हाफ इंच ऊपर से निशान 45 यहाँ से लगाना है और हाफ इंच मार्जिन का मैंने ले लिया है। ये हमारी लंबाई हो गई। लेने के बाद हम इसको अलग कर देंगे, दोनों पार्ट्स को काट के हमने ये पार्ट्स अलग कर दिए हैं। अब हमें इन दोनों को ऐसे एक दूसरे से मिलाना है डिजाइन को और बराबर कर लेना है, क्योंकि पीछे हमारा कपड़ा प्लेन है और आगे का कढ़ाई वाला है, इसलिए हमें कढ़ाई का देखना है। कढ़ाई का दो कपड़े को बिल्कुल बराबर से हमें मिलाना है और ऐसे रख देना है। और अगर कपड़े में ज़्यादा रिंकल्स हों तो हमें प्रेस से इसको ठीक कर लेना है। फ्रेंड्स, हमने ये कपड़ा इस तरीके से फोल्ड कर लिया है, डबल फोल्ड कर लिया है, और ये जो मुड़ा हुआ हिस्सा है वो मेरी तरफ है और बंद खुला हुआ हिस्सा इस तरफ है। तो हमें सबसे पहले तीरा यानी शोल्डर का निशान लगाना है। तो शोल्डर हमारी 14 इंच है, तो 14 इंच हमारा शोल्डर है, तो 14 का आधा हुआ 7 और इधर से 14 का आधा 7 हुआ। और जितना हमारा और गले की लंबाई चौड़ाई हमारी 2.5 है और लंबाई हमारी 5 है, 5 और आधा इंच मार्जिन का 5.5 हो गई। ये हमारा हो गया। और अब हम यहाँ से कंधे का 1/2 इंच में यहाँ से डाउन कर देंगे और हमारा मोड़ा जितना हमारा शोल्डर होता है उतना ही हमारा मोड़ा होता है, तो मोड़ा हमारा यहाँ पे 7 इंच है। 7 इंच हमने मोड़े का निशान लगा लिया है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर हमारे अक्सर कंधे गिरते हैं, कई लोगों की शिकायत आती है कि हमारे कंधे गिर रहे हैं, कंधे गिरने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो शोल्डर 7 है तो हम 7 में 1/2 इंच ऊपर से माइनस कर देंगे। तो 1/2 इंच हम माइनस कर देंगे तो हमारा 6.5 हो जाएगा। ये देखिए 6.5 हमारा माइनस हो गए और 7 हमारा यहाँ से जितना था वैसे ही हम रहने देंगे और इसको हम यहाँ से ऐसे क्रॉस करके निशान लगा देंगे। ये हमारे कंधे नहीं गिरते, अगर हम ऐसे लेते हैं तो हमारे कंधे नहीं गिरते, अगर हम पूरा ले लेते हैं तो हमारे कंधे गिरने लग जाते हैं। ये हो गया। अब मैं इसके 3 पार्ट्स करूँगी, एक चेस्ट के लिए, जैसा कि हमने पहली वीडियो में भी बताया था आपको, और यहाँ से मैं 14 इंच पे निशान लगाऊंगी हिप का और 7 इंच का कमर का निशान लगाऊंगी। और इन तीनों निशानों को हम अलग अलग लाइन से शो कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा 7 इंच पे हो गया और ये हमारा 14 पे निशान हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें चेस्ट और वेस्ट की और हिप के निशान लगाने हैं। तो हमारी चेस्ट की आधा हिस्सा 21.5 है, तो 21.5 का हम आधा लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 11.25। 11 में 2 पॉइंट कम, तो हम 11 में 2 पॉइंट कम पे इंची टेप को लगा करके यहाँ से हम निशान लगा देंगे सीने का यानी चेस्ट का ही। अब हमारी वेस्ट है 18.5 इंच, तो 18.5 का आधा हो गया 9.2। तो 9.2 पे हम ऐसे करके एक निशान लगा देंगे। ये हमारा हो गया कमर का निशान। अब हमारी हिप है, हिप हमारी 21.5 है, तो 21.5 का आधा 11.5, ये हम हिप का निशान ऐसे लगा देंगे। अब इन निशानों को हमें मिलाना है। ये देखिए हम किस तरीके से मिलाएंगे,
ये हम ऐसे करके इसको मिला देंगे और फिर यहाँ से इस निशान को हम ऐसे मिला देंगे। और अब हमें मार्जिन लेना है। मार्जिन के लिए मैंने 1.5 इंच या 1.25 इंच पे हमें निशान एक्स्ट्रा करके लगाना है। ये मैंने निशान लगा लिया है और इन निशानों को भी हम ऐसे मिला देंगे। ये हमारे निशानों का है। अब हमें मोड़े की गोलाई का निशान लेना है, तो निशान लेने के लिए मैं यहाँ से 1.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस निशान को यहाँ चेस्ट के निशान से मिलाने हैं और इस निशान को इस निशान से मिला देना है। यह हमारा मोड़े की गोलाई का निशान हो गया। यह हमारा फ्रंट का है। अब हमें फ्रंट के लिए हमें गोलाई ज़्यादा लेनी होती है, तो जैसा मैंने पहली वीडियो में भी बताया था 1/2 इंच के करीब हमें यहाँ निशान लगाना है और इस निशान को हमें ऐसे मिलाना है और फिर यहाँ से यूँ करते हुए गोलाई करते हुए हमें यहाँ चेस्ट पे मिला देना है। ये देखिए, तो ये निशान हमारा हो गया फ्रंट का और ये हमारा निशान हो जाएगा बैक का। तो अभी हम इसको कटिंग नहीं करेंगे, हम इसकी कटिंग करेंगे मैं। और अभी हमारा यहाँ पे हम दामन का निशान लगाएंगे, तो दामन भी हमारी जितनी हिप है उतनी ही हमारी दामन भी है। 1.5 इंच के करीब हमारी का दामन है और ये हमारा मार्जिन का निशान हो गया। इस निशान को हम इस निशान से मिला देंगे। बोल आ रहा है किसी का। हमने इस तरीके से निशान लगा लिया है, यह हमारा निशान इस तरीके से लग चुका है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो कटिंग हमें बाहर वाली जो निशान हमारे लगे हुए हैं, हमें इसकी बाहर की कटिंग करनी है। फ्रेंड देखिए, हमने कटिंग कर ली है, बाहर के निशान से हमने पूरी कटिंग कर ली है। अब हम इसे फोल्ड करके साइड कर देंगे और फ्रेंड देखिए, हमने ये हिप के अकॉर्डिंग चौड़ाई लेकर के हमने ये बिछा ली है, अपनी कमीज का बैक के पल्ले को हमने बिछा लिया है। और अब हमने जो ये तह लगा के कपड़ा साइड किया था, अब इस कपड़े को हम इस पे इस तरीके से रखेंगे। ये हमारा मोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें बैक के पल्ले को मोड़ना है, इसलिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा नीचे से रखेंगे और हम इधर से इसको मिला देंगे। यह हमारा बिल्कुल सेम एक दूसरे में पल्ला मिल जाए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। और बिछाने के बाद हम सेम इसी तरीके से इसी के अकॉर्डिंग हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। हमारी इससे कमीज कट जाएगी, उसके बाद हमारी आस्तीन रह जाएगी कटिंग करने के लिए। फ्रेंड्स देखिए, हमने ये कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पे एक निशान लगाएंगे हिप का, जो मैंने बताया था आपको कट लगाने हैं हमें हिप के लिए, और बैक बीच के सेंटर का हमें एक कट यहाँ लगाना है। और देखिए, मैंने आपको कहा था हमने यहाँ की कटिंग अभी नहीं की है, हमने पीछे वाले पर की कटिंग करी है निशान की। तो ये हमारा बैक वाला पल्ला है, अभी हम इसको हटा देंगे और उसके बाद हम ये फ्रंट वाले इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से अब मैं इसको कटिंग कर लूँगी। अब हमारी कमीज़ की कटिंग पूरी हो चुकी है, सिर्फ हमारी अब आस्तीन रह गई है। तो आस्तीन के लिए भी मैं आपको बता दूं, आस्तीन के लिए हमारी जो ये चौड़ाई होती है, ये हमारी 7 इंच है, तो 7 में हम 2 इंच प्लस करेंगे, 9 इंच की हम चौड़ाई लेंगे आस्तीन की, मोड़े की चौड़ाई। फ्रेंड देखिए, हमने आस्तीन के लिए कपड़ा ले लिया है। आस्तीन की मैंने आपको बताई थी चौड़ाई 9 इंच है, जिसमें 7 इंच मोड़ा था, जिसमें हमने 2 इंच प्लस किया, तो 9 इंच इसकी मोड़े की चौड़ाई हो गई। और 2 इंच हमें फिर प्लस करना है, 1.5 इंच प्लस करना है हमें मार्जिन का, तो टोटल हमारी 10.5 की चौड़ाई हो गई। तो मैंने ये 10.5 के करीब चौड़ाई का निशान लगा लिया। ये देखिए, 10.5 की इसकी चौड़ाई हो गई कपड़े की। अभी हमारा कपड़ा कम है, आप देख सकते हैं ये कपड़ा हमारा कम हो रहा है, तो हम ज्वाइंट लगाएंगे। तो ये ज्वाइंट जो है हमारा पीछे की तरफ, पीछे बैक की साइड में चला जाएगा और ये फ्रंट की तरफ आ जाएगा। तो मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए, हमने फुल लेंथ ली है 1 इंच मार्जिन का और उसके बाद फुल लेंथ हमारी 18 इंच है स्लीव्स की, प्लस 1/2 इंच मार्जिन का। तो ये इस तरीके से हम निशान को लगा देंगे। और ये बड़े का है, तो हमें मोड़े की जो गहराई का जो निशान गोलाई का लगाना है, वो हम 3.5 पे लगाएंगे, 3.5 पे ऐसे लगाते हैं, तो इससे इसके
पे फिटिंग परफेक्ट आती है। तो ये देखिए इस तरीके से करके मैंने इस निशान को मिला दिया है। और अब हमें यहाँ पे लेना है मोड़े की बॉटम की चौड़ाई का निशान। तो 5 इंच हमारी बॉटम की चौड़ाई है और 1 इंच मार्जिन का। अब हम जो हमारा 9 इंच था, 9 इंच के निशान को हम यहाँ पे इस निशान से इस निशान को मिला लेंगे। ये देखिए, और दूसरा निशान हम कटिंग का मिला लेंगे। ये इस तरीके से हमने मोड़े का निशान लगा लिया है। अब हमें आगे की गहराई का निशान लगाना है, तो मैं आपको अभी बाद में ये बताऊंगी। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये हमारे पीछे का कढ़ाई वाले हिस्से का कपड़ा बचा हुआ था, जो अब हमें इसे जोड़ के लिए लगाना है। तो ये देखिए, हमने इस पे कपड़ा रखना है, ये सिलाई के हिसाब से हमें एक दूसरे पे यूं चढ़ा देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 1/2 इंच के करीब चढ़ाया है कपड़े को, और 1/2 इंच इधर से, और इसकी कटिंग मैं ऐसे ही आस्तीन की कर लूँगी पूरी, इसको कंप्लीट कर देंगे। अब आप देखिए ये हमारा हिस्सा इस पे आ गया है। ये देखिए, ये हमारी आस्तीन की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब एक कट मैं यहाँ पे इसका लगाऊंगी बीच का, और अब मैंने 2 पल्ले नीचे के उठाने हैं, और ये जोड़ वाला जो ये हमारा बैक में जाएगा और फ्रंट वाला हमारा ये हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने आपको जैसा तरीका बताया है, 9 का आधा 4.5 होता है, 4.5 पे निशान लगा के 1/2 इंच यहाँ पे निशान लगाना है, और इस निशान को ऐसे मिलाते हुए इधर मिलाना है, और इस निशान को इधर ला करके इधर मिला देंगे, और ये हमारी फ्रंट की मोड़े की गोलाई गहराई कट जाएगी। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा बैक का हो गया, ये हमारा फ्रंट का हो गया, ये हमारा। अब हम इसे भी फोल्ड करके इसको करके आपको दिखाती हूँ मैं, हमारी कटिंग पूरी हो चुकी है। फ्रेंड्स आप देखिए, हमारी कमीज की कटिंग पूरी हो चुकी है। ये हमारा फ्रंट का केक का पल्ला है, और ये हमारा बैक का है, और इसी तरीके से ये हमारे फ्रंट के आस्तीन का आगे का हिस्सा, और ये पीछे का है। आप डिस्क्रिप्शन में जा करके, आप हमने सिलाई का लिंक दिया हुआ है कमीज़ की, आप सेम प्रोसेस वही है सिलाई करने का जो हमने पिछली वीडियो में कमीज़ की सिलाई बताई थी, उसी तरीके से आप इसकी पूरी मुकम्मल सिलाई कर लीजिए। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइए प्लीज़। और सब्सक्राइब, जो मेरे चैनल में अभी नए जुड़े हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अप्रिशिएट करें। थैंक यू वेरी मच।